अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज है फ्राइडे और हर फ्राइडे को Q&A वीडियो आती है। तो आपका जितना भी सवाल है इस वीडियो में सबका जवाब दूंगा। आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखना, हो सकता है कि आपका जवाब इसी वीडियो में मिल जाए। अगर आपका कोई सवाल भी हो तो आप कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप सवाल कर सकते हो, मैं उसकी भी जवाब देने की नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा। मेरी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, एक लाइक बस कर दो। और यहाँ पे देख सकते हो कि 17% ही लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर किए हैं, बाकी लगभग 83% लोग जो है वो बस वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लो अभी। और चलो मैं अब आपको सीधे सीधे अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे जाके वहाँ पे आपका सवाल पढ़ता हूँ। तो कुछ लोग आके बोलते हैं क्या क्या दे, आप मुझे मत देखो कि मैं कहाँ देख रहा हूँ, बस आप अपना जवाब सुनो, क्योंकि मैं लैपटॉप पे देख के पूरा जो भी आपका कमेंट होता है सबका जवाब देता हूँ। तो चलो मैं फाइनली फिर से अब देख लेता हूँ। यहाँ पे पहला ही सवाल है भाई, क्यूबा से 14 दिन में ही ऑटो कैंसिल हो गया जबकि नोटिस पीरियड 30 डेज का था। तो यहाँ पे है कि करेंट कंपनी का अप्रूवल चाहिए, पेंडिंग फॉर, आपने सही से देखा नहीं होगा, वहाँ पे होगा पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। अगर वो नहीं होता है, अप्रूव नहीं करेगी करेंट कंपनी, तो 14 से 21 दिन के अंदर में ही ऑटो कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा ऑफर लेटर क्यूबा पे आया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट HR 60 डेज का नोटिस पीरियड देने को बोल रहा था। मेरा रिजिग्नेशन पेपर भी HR को साइन कर दिया था, बट मेरा ज्वाइनिंग डेट 8 अगस्त का है, मैं दूसरी कंपनी में HR की ज्वाइनिंग डेट एक्सटेंड करने को बोल रहा हूँ तो रिप्लाई नहीं कर रहा है। क्या पॉसिबल नहीं था कि मैं कंपनी से भी जॉब जाएगा और यहाँ से भी, ये बोल रहे हैं यहाँ से भी वहाँ से भी। तो ये भाई का जो है सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, उसकी लिंक जो है पिन कमेंट में भी मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात करो, वहाँ मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो आप लोग ने भी अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आपको लिंक यहाँ पे दिख रही होगी स्क्रीन पे भी, ZRKTech यूजर नेम है, आप जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहाँ भी मिलता है, आप बात भी कर सकते हो और मैं अपडेट भी देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, छोटी छोटी कोई अपडेट आती है। तो अब नेक्स्ट सवाल मैं देख लेता हूँ, सप्लायर कंपनी से ट्रांसफ़र कैसे करें। भाई ये अब तक कोई इसका हल नहीं है मेरे पास, क्योंकि अब तक ऐसा कुछ बताया नहीं गया है जिसकी मैं आपको बता दूं। और एक और सवाल है यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे पास कुछ लोग का ये सवाल आया, एक भाई का ये सवाल था कि मेरा एग्जिट लगाया कंपनी ने और एग्जिट जो है वो एक्सपायर हो गया, एग्जिट री एंट्री जो है वो एक्सपायर हो गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सवाल मैंने जवाजात से किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, प्रूफ, ये मत बोलना कि मैं ऐसे बता रहा हूँ, यहाँ पर प्रूफ देखो। मैंने जवाजात वाले से पूछा कि भाई एक बंदे ने ऐसा ऐसा किया, उसका री एंट्री जो है एक्सपायर हो गया, अब उसे क्या करना है। तो यहाँ पे जवाजात ने बोला कि 1000 रियाल का उसको फाइन देना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा एग्जिट री एंट्री के लिए, 1000 रियाल का फाइन है जो कि कैंसिल हो जाएगी एग्जिट री एंट्री, उसके बाद फिर से आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे बात निकल के ये आ रही है कि ये अगर आपका एग्जिट लगाया है तो 1000 रियाल में आपका एग्जिट जो है कैंसिल हो जाएगा, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बहुत सारे लोग का ये सवाल होता है और बहुत सारे को एग्जिट लगा भी देती है कंपनी। तो ये सब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, ये मैंने जवाजात से डायरेक्टली पूछा था। आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं पूछता रहता हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ मैं, क्या है, ब्रो कंपनी नॉट गिविंग मी ट्रांसफ़र से ओनली एग्जिट नो ट्रांसफ़र, बट वी डिड नॉट एनी एग्रीमेंट लाइक गोसी और अदर प्लेस अदर पेपर एग्रीमेंट, इज इट पॉसिबल टू फोर्स कंपनी गिव मी ट्रांसफ़र। फिलहाल नहीं है आपका कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप कंपनी को फोर्स करके और बोलो कि मुझे ट्रांसफ़र दे दो भाई, फिलहाल अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, अभी कंपनी के हाथ में ही है। अगर एक काम है बस एक्सपायर है तभी ट्रांसफ़र मिलता है, बाकी अभी कोई भी चारा नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते कंपनी के साथ, फोर्स नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे एक और सवाल है, मेरा सवाल यह है कि मैंने गोसी में कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया पर कॉन्ट्रैक्ट 12 मार्च को ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले अगर दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा तो ट्रांसफ़र के लिए मैसेज जाएगा क्या मेरी करेंट कंपनी को, 3 मंथ पहले करूँगा या अब। भाई अभी आपका 12 मार्च ही है ना, 12 मार्च में बहुत टाइम है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, उससे पहले बहुत सी ऐसी अपडेट आ जाएगी, अभी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है कि क्योंकि आज बताऊंगा कल दूसरी अपडेट आ जाएगी। तो आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो और
उसका जो भी अपडेट आएगी आपको तब तक पता चल जाएगा, बहुत सारा रूल चेंज हो जाता है। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग का ये भी सवाल आता है कि मेरा जो है 2 साल का फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है बट मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ, तो क्या मैं ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। पहले मैंने इंस्टाग्राम पे एक बंदा है उसका मैंने ट्रांसफ़र करवाया, वो भाई ने अपना ट्रांसफ़र करवाया, बट कैसे करवाया वो सारा डिटेल मैं बता देता हूँ आपको। उसने कंपनी से बात की पहले, तो कंपनी ने बोला कि चलो ठीक है ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको, मैं रेडी हूँ। कंपनी बट एग्री होनी चाहिए कि ट्रांसफ़र देने के लिए, तो उसकी कंपनी एग्री थी ट्रांसफ़र देने के लिए। ट्रांसफ़र तो देने के लिए उसने क्यूआर पे रिक्वेस्ट मंगवा लिया, सब कुछ अप्रूव भी कर दी कंपनी। बट अप्रूव करने के बाद उसकी कंपनी ने उससे पेपर पे एक लिखवा के ले लिया, रिटन में लिखवा के ले लिया कि उसको जो है 5 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी, 5 मंथ की सैलरी, उसके बाद ही उसकी कंपनी उसको जाने देगी। तो रिटन में लिखवाओगे तो गलती है। अगर आपकी कंपनी एग्री है तो आप करवा सकते हो अप्रूव यहाँ पे ट्रांसफ़र। मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, प्रूफ देख लो। बट वो कंपनी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग का ये सवाल है कि फ़र्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है, 2 साल नहीं हुआ है, तो क्या मैं ले सकता हूँ? तो यहाँ पे हुआ है, एक भाई का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप भी करवा सकते हो ट्रांसफ़र, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यही है, कंपनी आपकी क्या करती है, क्या बोलती है, दे रही है नहीं दे रही है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट सवाल मैं देख लेता हूँ। मेरा क्यूआर पे रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बट पुराना कफिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कफाला कैसे हो जाएगा? तो वही बात है, करेंट कंपनी अगर अप्रूव नहीं करेगी तो नहीं हो सकता है फिलहाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भाई मैंने दूसरी कंपनी से नकल कफाला ले लिया, क्यूआर रिक्वेस्ट करवाया है, अभी मेरी कंपनी मुझे परेशान कर रही है, तो क्या कर सकते हैं? भाई मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, फिलहाल कुछ नहीं कर सकते। अभी आप ट्रांसफ़र ले रहे हो तो ये सोच समझ के लो, अगर आपका इकामा एक्सपायर है तभी लो, या फिर अगर ले रहे हो तो आपकी कंपनी एग्री होनी चाहिए। अगर कंपनी एग्री नहीं है तो प्लीज़ मत लो ट्रांसफ़र, क्योंकि इस केस में एग्जिट, फाइनल एग्जिट, प्रूफ ये सब लगा दे रही है कंपनी। तो ये सब आपको देख लेना है पहले ही, लेने से पहले ट्रांसफ़र, ये सब सवाल को आपके दिमाग में रखना है कि हाँ ये सब हो सकता है, तो इसलिए आप सोच समझ के ट्रांसफ़र लो। उसके बाद नेक्स्ट सवाल मैं देख लेता हूँ। भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद एकामा मत ख़त्म होना है, तो क्या दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ? फ़िलहाल नहीं है ऐसा कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद अगर एकामा नहीं है तो ले सकते हो, बट ये अपडेट आएगा, जैसे ही आएगा उसके बाद मैं इन्फॉर्म करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, अगर क्यूआ पे ट्रांसफ़र कंप्लीट होने के बाद न्यू कंपनी एकामा रिन्यू नहीं करती है तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ गिव मी आंसर, ये बताओ, बहुत से फ्रेंड का सवाल है। अब ये न्यू कंपनी एकामा रिन्यू नहीं करती, आप वो कंपनी में जाने से पहले पता कर लो कि ये कंपनी कैसी है। अभी आपका अगर एकामा रिन्यू नहीं भी हो रहा है तो कुछ दिन वेट करो, कुछ दिन के बाद सारा सिस्टम ही चेंज होगा, तो आपकी कंपनी को लाजिम है एकामा बना के ही रखना है, जो भी उसके अंदर काम कर रहा है उस सबका एकामा बनाना। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एकामा कंपनी बनाती ही नहीं है, सालों साल से काम कर रहे हैं कोई एकामा नहीं है, तो आपको ऐसी कंपनी में जाना ही नहीं है कि जो कंपनी एकामा नहीं बनाती हो। नेक्स्ट सवाल, भाईजान मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया बट आई वांट टू कैंसिल, डू यू नो हाउ इट पॉसिबल? दोस्त मैं बता दूं आपको कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद ये आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। हाँ, कैंसिल करने का एक ही कंडीशन है, अगर आपका पेंडिंग फॉर करेंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आ रहा है तो करेंट कंपनी से बोल दो कि भाई अप्रूव नहीं करने, 14 दिन के अंदर में, 14 से 21 दिन में ऑटो कैंसिल हो जाएगा, या फिर आपकी जो कंपनी ने भेजा है कॉन्ट्रैक्ट वही कैंसिल कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके अंडर में नहीं है। जब आप एक्सेप्ट कर लिए एक बार तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देखता हूँ मैं, भाई क्यूआर पे 2 सर्विस होती है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र, क्या दोनों को एक्सेप्ट करना होता है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना होता है? यहाँ पे जो है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र को आपको, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है वहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो आप देख लो, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, हो सकता है तो वो वीडियो की लिंक मैं आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आता है, कैसे आपको एक्सेप्ट करना है, क्या क्या करना है, सब वीडियो आपको, हर वीडियो का प्रॉब्लम, हर सवाल का प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो बहुत सारी बना रखी है मैंने,
अब यहाँ पे देख लेता हूँ नेक्स्ट सवाल क्या है। मैंने 31 मई 2021 को ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट और कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट किया, क्यों पर 6/6/2021 को मेरी कंपनी ने हुरूप लगा दिया, क्या मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा? नहीं, कंपनी में हुरूप लगा दिया है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। नेक्स्ट सवाल बोल रहे मेक वीडियो इन इंग्लिश, ओके आई विल ट्राई, ज़रूर मैं बनाऊँगा भैया। एक टाइम ऑटो कैंसिल होने हो के बाद अगेन रिक्वेस्ट भेजेगा न्यू कंपनी, तो फिर भी करेंट कंपनी का अप्रूव नहीं कर रहा है, अपने आप एक्सेप्ट होता है आफ्टर वैलिडिटी? नहीं भाई, अगर करेंट कंपनी अप्रूवल नहीं दे रही है तो अपने आप एक्सेप्ट नहीं होता है। जब तक आपकी करेंट कंपनी का अप्रूवल चाहिए ही चाहिए, अगर वो अप्रूवल देगी तभी जाके आपका अप्रूव होगा। भाई मेरा दूसरी कंपनी से ऑफ़र आया है, एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अभी तक क्यूआ पे रिक्वेस्ट नहीं आई, क्या करना चाहिए? तो आपने एक्सेप्ट कहाँ किया भाई? क्यूआ पे रिक्वेस्ट नहीं आई तो क्या करना चाहिए? अगर क्यूआ पे बोलो ही रिक्वेस्ट भेजने, हो सकता है कभी कभी क्यूआ में अपडेट होने में टाइम लगता है, तो आपको 1-2 दिन 3 दिन वेट करना चाहिए, उसके बाद हो जाता है। 30 डेज नोटिस पीरियड जो है ना, एक्चुअल में वो 90 डेज ही है क्यूआई की तरफ से। 30 डेज आपको ऐसे ही दिखा रहा है, बट वो जो है 90 डेज का नोटिस पीरियड है। 30 डेज वाला भी होगा तो वहाँ पे आपको एक ट्रांसफ़र डेट दिखा रहा होगा और उसके बाद आप व्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको वहाँ पे जाके देखना है, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका ट्रांसफ़र कब होने वाला है। मेरी दूसरी कंपनी से रिक्वेस्ट अपने कंपनी को भेजता था, मेरी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया अप्रूव, वो ऑटो कैंसिल हो गया, क्या ट्रांसफ़र? जब ऑटो कैंसिल हो गया तो आपको अब वेट करना है, या तो फिर से आप मंगवा सकते हो, फिर से मंगवाओगे फिर ऑटो कैंसिल होगा, तो ये सब आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे ऑटो कैंसिल बहुत होता है। मेरी कंपनी फाइनल एग्जिट लगा दी है, बताओ मेरा ट्रांसफ़र होगा? मैं दूसरी कंपनी में नहीं हो सकता भाई, अगर फाइनल एग्जिट आपकी कंपनी ने लगा दिया है तो आपको, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं, आपको जाना पड़ेगा। फाइनल एग्जिट लगा दिए है भी सोल्यूशन, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। आप कैंसिल करवा सकते हो बट कंपनी के पास नोटिफिकेशन जाता है, नोटिफिकेशन जाने के बाद वो फिर से लगा सकती है एग्जिट, फाइनल एग्जिट, तो आपको ये सब ध्यान में रखना है। मेरी कंपनी मुझे नोटिस पीरियड में एग्जिट लगा दिए तो क्या करूँ, बताओ भाई? सेम क्वेश्चन है, पहले भी बता दिया, एग्जिट लगा सकती है, आपको ये सब का ध्यान रखना है। रिक्वेस्ट मंगवाना है If status showing 30 day notice period approved by current employer, if company not accepting 30 day, is it possible to? अगर approved by current employer दिखा रहा है तब तो आपका अप्रूव हो ही गया, तब आप जा सकते हो 30 days के बाद। अच्छा हाँ, यही सवाल था एक भाई का यहाँ, भाई कफिल ने वीजा फाइनल एग्जिट लगा दिया और एग्जिट एक्सपायर हो गया तो उसका क्या हाल है? मैंने आपको बता दिया भाई, पहले ही आपका सवाल का जवाब दिया, जो कि जवाजात की तरफ से मैंने पूछ के बताया, तो आपको भी जवाब मिल गया होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना भी क्वेश्चन आया था इस वीक में, मैंने सबका जवाब दे दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, मुझसे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हो, वहाँ भी मैं रिप्लाई करता हूँ, आपको बात करता हूँ। आपका कोई प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन मैं देता हूँ। तो आपको वीडियो को ज़रूर से लाइक करना है, एक बार लाइक कर दो इस वीडियो को। चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।